Amici, could you tell us what is spiritual commitment? Since many years, I have been associated with several centers and different traditions, but I could never choose a specific one that suits me. I would like to practice more, but I feel a little lost to choose my spiritual path. Thank you to help me. मुझे हमें बता सकते हैं कि आध्यात्मिक प्रतिबद्धता या आध्यात्मिक निष्ठा क्या है? अनेक वर्षों से मैं भिन्न भिन्न परंपराओं के अनेक आध्यात्मिक केंद्रों से संबद्ध रही हूँ, लेकिन मैं कभी भी कोई विशिष्ट पद्धति को चुन न सकी जो मेरे अनुकूल पड़ती हो। मैं चाहती हूँ कि मैं और अधिक अभ्यास करूँ, किंतु मैं अपने आध्यात्मिक पथ के चुनाव के संबंध में थोड़ी भ्रमित हूँ। कृपया मेरी सहायता करें। धन्यवाद। मार्टिन। स्पिरिचुअल कमिटमेंट इम्प्लाइज टू मेक सेल्फ रियलाइजेशन द एम एंड गोल ऑफ वंस लाइफ एंड टू डिवोट वन सेल्फ टू अचीव दिस गोल working most sincerely and wholeheartedly, that is with the spirit of do or die. There are three energies in every human being. First, the energy of action called Kriya Shakti. Second, the energy of thinking and analyzing called the mental energy. And third, the energy of feeling called the Bhavana Shakti. In some human beings, the Kriya Shakti is predominant, in others, the thinking and analyzing energy is predominant, and in others, the Bhavana Shakti is predominant. Therefore, in Hindu tradition, three paths for God realization or self-realization have been designed, and they are called Karma Yoga, Bhakti Yoga, and Jnana Yoga. But in all these yogas or path, one pointedness or concentration is required. For that, Raj Yoga or what is called Patanjali Yoga has also to be practiced, which is very systematic. For the seeker of truth, the most important is to live consciously to achieve the goal of truth realization. The spiritual path of realization for a person is one in which one is most interested and one is able to follow it. प्रश्न पूछा गया था आध्यात्मिक सत्यनिष्ठा अथवा आध्यात्मिक प्रतिबद्धता के बारे में। उत्तर महाराज जी का, आध्यात्मिक ईमानदारी, आध्यात्मिक सत्यनिष्ठा या आध्यात्मिक प्रतिबद्धता का अर्थ है कि साधक आत्म उपलब्धि को अपने जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य बनाए और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी निष्ठा और पूरी हृदय की पूरी गहराइयों के साथ करो या मरो की भावना से अपने आप को इस लक्ष्य की प्राप्ति में नियोजित कर दे, समर्पित कर दे। प्रत्येक मनुष्य में तीन प्रकार की शक्तियां होती हैं। पहला क्रिया शक्ति, पहली को क्रिया शक्ति कहते हैं, दूसरे को चिंतन मनन और विश्लेषण करने की शक्ति, इसको मानसिक शक्ति या ज्ञान मानसिक शक्ति कहते हैं, और तीसरी है भावना शक्ति अर्थात महसूस करने की शक्ति, भाव की शक्ति। कुछ मनुष्यों में क्रिया शक्ति का प्राधान्य होता है, किन्हीं दूसरों में विचार और विश्लेषण की शक्ति की प्रधानता होती है और किन्हीं किन्हीं में भावना शक्ति की प्रधानता होती है। अतः हिंदू धर्म में
हिंदू परंपरा में आत्म उपलब्धि अथवा भगवत उपलब्धि के तीन पथ निश्चित किए गए हैं, जिन्हें क्रमशः कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग कहा जाता है। किंतु इन सभी प्रकार के योग अथवा पथों में चित्त की एकाग्रता की अपेक्षा होती है, और इस चित्त की एकाग्रता को उपलब्ध करने के लिए राजयोग, जिसे पतंजलि योग भी कहा जाता है, पतंजलि योग का भी अभ्यास किया जाना बड़ा आवश्यक होता है। वह योग बहुत ही व्यवस्थित और अनुशासन में बंधा हुआ है। सत्य के साधक के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वह पूरी सजगता के साथ सत्य के साक्षात्कार के लक्ष्य के लिए प्रयास करता रहे, उसी के लिए जिए। किसी भी व्यक्ति के लिए आत्म उपलब्धि या भगवत उपलब्धि के लिए सर्वोत्तम पथ वह है जिसमें उस व्यक्ति की सबसे अधिक गहरी अभिरुचि हो और जिसका पालन करने की, जिसका अनुसरण करने की उसमें योग्यता भी हो। पथ के बारे में स्वामी जी ने लिखा कि कौन व्यक्ति किस पथ का अनुसरण करे, लिखा कि वेदांत की भाषा में, टेक्निकली वेदांत की शब्दावली में इसको अधिकार शब्द का प्रयोग किया गया है कि कौन सा साधक किस पथ पर चलने का अधिकारी है। With regard to the choice of the path by a seeker, which path one should choose, Swamiji writes, in the Vedantic parlance, there is a word, technical word, which is called competence, that whether one is competent to follow a particular path or not, depending upon one's psychophysical makeup as well as one's deep interest. किसी पथ के अधिकार के लिए उस पथ में अभिरुचि होना और उस पथ पर चलने की योग्यता होना माना गया है। The competence to follow and tread any spiritual path depends upon one's having deep interest in it as well as the ability and the competence to follow that path. The mantra is Ik Omkar सत नाम, सत नाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। इट ट्रांसलेट्स एज गॉड इज वन विदाउट सेकेंड, ओम इज हिज नेम, ही इज रियल एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस, the creator of the world of names and forms, absolute consciousness, he is devoid of all fear and enmity, he transcends time and is without birth and death, he is self-evident and self-luminous, he is realized through the japa of his holy name with the grace of a perfect guru, he has existed down the ages, exists in the present and will continue to exist forever. ओम उनका नाम है, वे सत्य हैं, पूर्ण सत्ता हैं, इस नाम रूपात्मक जगत के सृष्टिकर्ता हैं, वे अनंत और पूर्ण चेतना हैं, उनमें भय और शत्रुता का लेश मात्र नहीं है, उनसे वो मुक्त हैं, वे कालातीत हैं, जन्म और मृत्यु से परे हैं, वे स्वयंभू हैं, स्वयं प्रकाशमान हैं, उनकी उपलब्धि उनके पवित्र नाम के जाप और पूर्ण सद्गुरु की कृपा के माध्यम से होती है, अनंत काल से उनका अस्तित्व है, भूत वर्तमान और भविष्य सब कालों में उनकी सत्ता व्याप्त है। गुरुवाणी में अधिकतर ईश्वर या सगुण ब्रह्म की महिमा का ही वर्णन है, परंतु निर्गुण ब्रह्म का भी अनेक स्थानों पर नाम आया है, और यह कहा है कि निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म दो तत्व नहीं हैं, एक ही मौलिक तत्व के दो आयाम हैं।
एक को निर्गुण ब्रह्म कहते हैं, दूसरे आयाम को सगुण ब्रह्म या ईश्वर कहते हैं। इन द होली गुरुवाणी मोस्टली इट इज द ग्लोरीज ऑफ गॉड और सगुण ब्रह्म, दैट इज द सुप्रीम रियलिटी विद एट्रीब्यूट्स has been described, but at many places the reference is made to Nirguna Brahma, that is the supreme reality without a speck, has also been discussed. Nirguna without qualities. And at the places it has been said that the Nirguna Brahma and Saguna Brahma, God without attributes and God with attributes, are not two independent principles. The basic fundamental principle is one, and these two are its two aspects. One is called Nirguna Brahma and the another aspect is denominated as God or with God with attributes. गुरुवाणी में ऐसा श्लोक है, निर्गुण आप सगुण भी ओही, कलाधार जिन सगली मोही. There is a verse, a श्लोक in Gurvani, which translates as He alone is the Nirguna, He alone is without attributes, and He Himself is with attributes. He is the great magician that he is. He has enchanted the whole creation with his miracles. The great magician that Supreme Lord is, he is playing by assuming different forms and names, but at the same time transcending all his creation, lives in his absolute oneness, in his one without secondness, all alone, something like this. And at the same time lives in the ecstasy of his own aloneness, is in his own alone being, in his absolute oneness. कृष्ण स्वामी जी चरणों में प्रणाम। सन्यासी को कितने समय परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है? उत्तर, मनुष्य जीवन को ही परीक्षा माना गया है, एक प्रकार का संग्राम माना गया। सन्यासी इस बात को समझता और जानता है। इस संबंध में कबीर जी का एक भजन भी है, साधक को अंतिम श्वास तक सजग और सावधान रहने की प्रेरणा सदशास्त्र और महान संत देते हैं। कबीर जी ने भजन में कहा, साध संग्राम है रैन दिन जूझना, देह पर्यंत का काम भाई। और इसके पहले कहा, साध संग्राम है विकट बेड़ा, जति सती और सूर की चाल आगे। अर्थ यह है कि यति सती और योद्धा को संग्राम बड़ी
सजगता से करना पड़ता है, ऐसे ही साधु सन्यासी को भी आत्म साक्षात्कार और उपलब्धि से पूर्व जीवन भर सजगता पूर्वक अपने मन से संग्राम करना पड़ता है। क्वेश्चन, स्वामी जी प्रणाम्स एट योर फीट। हाउ लॉन्ग अ मॉन्क, अ सन्यासी हैज टू अंडरगो द ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस, हैज टू गो थ्रू बीइंग टेस्टेड इन द लाइफ? द आंसर, द वेरी ह्यूमन लाइफ इज बट अ टेस्ट, an exam. It has been regarded as a sort of war. The monk understands it and knows it. There is a bhajan of Kabirji in this regard. The great sages and the holy scriptures always warn and give inspiration to the seeker to remain vigilant and aware till the last breath in the spiritual path. Kabirji in his bhajan says, the life of a seeker is but a war. It is a non-stop, unceasing fight day and night all through one's life. Oh brother, and before this he says, it is a big war, it is a fierce battle, and even the fight of a warrior and a sati, and sati means a lady who in the orthodox Hinduism who had no issues upon the death of his husband, would voluntarily and willfully immolate herself in the same pyre in which the dead body of the husband would be put to fire. If she was issueless, she would do it. So Kabir Das Ji says that the battle of a monk is fiercer, is more difficult than the battle of a warrior, a soldier, a sati, and jati means Hatha Yogi, who does the very hard penances, stands on one leg, because he means to say that doing the hard tapasya, undertaking austerities, is easier than the battle of a monk, which preliminarily belongs to the mind, vigilance. And then Swamiji says, as the soldiers Sati and Jati have to fight their battle with great vigilance, so also the monk, the seeker and the sannyasi has also, before self-realization and enlightenment, have to fight with his or her own mind all the life, very vigilant, with great care and alertness. पूरा भजन मैंने पुस्तक में रेफर किया था, 50-25 वर्ष हो गए, 50-55 वर्ष हो गए, पूरा भजन भूल गया। I had quoted the full bhajan in the book. It has been 50-55 years. It has been forgotten. It is this bhajan which I gave to Swami. साध संग्राम है बेड़ा, जति सती और सूर की चाल आगे। सती घमसान है पल एक का, सूर घमसान पल चार लागे। साध संग्राम है रैन दिन जूझना, देह पर्यंत का काम भाई। कहे कबीर टुक बाग ढीली करे, मन तुरत असमा से जिमी आई। और फिर ऊपर आपने लिखा है, खिरस्य धारा निशिता दुरत्यया, दुर्गम पतस्तत कवयो वदन्ति, कठोपनिषद। कि भगवत प्राप्ति के मार्ग को शास्त्र में कहीं कहीं छुरे की तीखी धार के समान बतलाया है, जिस पर
चलना आसान नहीं होता। परमात्मा की तो एक झलक मात्र पाने के लिए साधक को सत्य हृदय बनकर दीर्घकालीन व कठोर साधना करने की आवश्यकता होती है तथा करनी ही चाहिए। रहस्यवादी परम संत कबीर जी ने भी साधना को अत्यंत कठिन संग्राम की उपमा दी। वे कहते हैं कि जलती चिता में बैठ एक सती स्त्री का स्वेच्छापूर्वक प्रसन्नता से सती हो जाना अथवा एक योद्धा शूरवीर का रणभूमि में प्रसन्नता पूर्वक युद्ध करते करते प्राणों को त्याग देना इतना कठिन नहीं है जितना कि आध्यात्मिक साधना का कार्य अथवा मार्ग कठिन है तथा उसका पथिक बनना कठिन है। अथवा अर्थात इस भजन का अर्थ है कि सती का संग्राम साधना तो इसलिए कठिन नहीं क्योंकि वहां सती को केवल पल भर के लिए ही मन पर संयम करना होता है। जब चिता में आग लग जाती है तो शरीर उसमें जलकर तुरंत ही भस्मीभूत हो जाता है और सती की साधना संग्राम में विजय हो जाती है। इसी प्रकार एक योद्धा का संग्राम भी इतना कठिन नहीं माना गया क्योंकि वह 4-6 पल का ही खेल होता है जिसमें योद्धा मार देता है अथवा मर जाता है, परंतु आध्यात्मिक साधना संग्राम का तो पता ही नहीं कब पूर्ण तथा सफल होगी। इसलिए आध्यात्मिक साधना की तुलना एक ऐसे संग्राम से की गई है जिसमें साधक से समर भूमि यानी युद्ध भूमि में जूझ रहे योद्धा की अपेक्षा निश्चित रूप से कहीं अधिक कठिन आत्मानुशासन, समझदारी, वीरता, धैर्य तथा सतत सजगता की अपेक्षा होती है। आध्यात्मिक रणभूमि में साधक रूपी योद्धा को पग पग पर अत्यधिक सजग, सावधान और साथ ही अत्यधिक सक्रिय रहना पड़ता है। प्रतिक्षण साधक को चुनाव करना पड़ता है, शाश्वत और नश्वर के मध्य चुनाव। पुनः पुनः और बारीकी से उसे अपनी अभिरुचि, भावना और मनोवृत्ति का निरीक्षण करना पड़ता है। बहुत ही सावधानी पूर्वक साधन करना पड़ता है ताकि साधन रूपी क्रियाकलाप कहीं यांत्रिक पुनरावृत्ति न बनकर रह जाए। सजगता विहीन यांत्रिक प्रयास तो सदा ही निष्फल होता है। देह पर्यंत का काम भाई जब तक शरीर रहता है। स्वामी जी मार्क्स द वर्ड इन द पोएट्री दैट द विजिलेंस एक्सपेक्टेड ऑफ अ सीकर is not a matter of days or months. Yes. It lasts all as long as you last in this body. Param Sant Ram Tirth ne kya kaha? Baithe hain tere dar pe to kuch karke uthenge. Ya vasl hi ho jayega ya mar ke uthenge. And Swamiji concludes the chapter with a quotation from Swami Ram Tirth, which says that I am at your door, O beloved. Now that I have come at your door, I will not return empty-handed. Either I meet you or I give up my body. Swamiji, I am not self-confident and I suffer of it. Since 10 years, I am a teacher of yoga. I can see some good results among my students, but still I don't feel worthy to do that job. Often I don't feel worthy to do that job. Thank you to help me. And in the name of our group, we thank you for the warm and loving welcome you and your devotees gave us. Nathali. Priya Swamiji, मुझ में आत्मविश्वास नहीं है और इस बात का मुझे दुख सालता है। कोई 10 सालों से मैं योग की अध्यापक हूँ और मैं अपने विद्यार्थियों में कुछ अच्छे परिणाम भी देख सकती हूँ, किंतु प्रायः मुझे लगता है कि मैं इस कार्य के लिए अधिकारी नहीं हूँ, इसकी योग्यता मुझ में नहीं है। मुझे मदद देने के लिए आपका धन्यवाद। और हमारे समूह, हम जो लोगों के साधकों का ग्रुप यहाँ पर आया हुआ है समूह, उनकी ओर से मैं आपको और आपके भक्तों को हमें बड़ी गर्मजोशी और प्यार से हमारे स्वागत के लिए धन्यवाद भी देना चाहती हूँ। नथाली।
Self confidence comes with faith and trust in one's real self or God. Pray daily and regularly. Prayer is the most important part of any spiritual practice. Even the Buddhists who don't believe in the existence of God, the Creator and the Creator most powerful of this world, pray to Lord Buddha and take his refuge. They say, Buddham Sharanam Gacchami. Prayer strengthens the faith in the divine and attracts the grace. The self-confidence cannot be zero. Otherwise, you would not have started what you are doing. Pray to God daily and regularly to strengthen your self-confidence. My good wishes for you and for all your students. आत्मविश्वास अपने सच्चे आत्मा में अथवा भगवान में श्रद्धा और विश्वास से आता है। नित्य प्रति और नियमित रूप से प्रार्थना करें। किसी भी आध्यात्मिक अभ्यास का प्रार्थना सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। यहाँ तक कि बौद्ध भी जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते, उस भगवान के जो इस जगत का सृष्टा है, सर्वशक्तिमान है, भगवान बुद्ध से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, उनकी शरण लेते हैं। प्रार्थना से भगवान में श्रद्धा सुदृढ़ होती है, गहरी होती है और इससे भगवत कृपा साधक की तरफ आकर्षित होती है। आत्मविश्वास कभी भी शून्य नहीं हो सकता। यदि ऐसा होता तो आप वैसा करना आरंभ न करती जैसा आप अभी कर रही हैं। नित्य प्रति और नियमित रूप से भगवान को प्रार्थना करें कि वे आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएं। आपके और आपके विद्यार्थियों के लिए मेरी प्रेम भरी शुभकामनाएं। Some devotees of the French group who are practicing meditation are expressing their difficulties to concentrate. Could you kindly give them some advice to improve their concentration during meditation? They thank you very much. Francisi Samhu ke kuch bhakt jo dhyan kar rahe hain unhein अपने चित्त को केंद्रित करने में कठिनाई अनुभव में आ रही है। क्या आप उन्हें उनके चित्त को केंद्रित करने चित्त के को केंद्रित करने के सुधार करने के संबंध में कुछ सलाह देंगे? बहुत धन्यवाद। कंट्रोलिंग वन्स माइंड कंप्लीटली is more difficult than becoming the president of France. Concentration during meditation is the result of very regular and long practice of meditation. It also requires dispassion or inner detachment, that is vairagya, from or to what is temporary and transient. Read the Patanjali Yoga. It is very systematic path of stopping the modifications of the mind. It defines yoga as stopping the modifications of mind. Yoga chitta vritti nirodha. These days, some people take yoga only as practicing some postures of the body. Should one practice meditation daily and regularly and follow other parts of yoga also, one can surely succeed in concentrating one's mind during meditation. Don't be disheartened. Be more and more sincere in spiritual sadhana. उत्तर महाराज जी का, मन को नियंत्रण में रखना, मन के ऊपर संयम, मन का संयम, पूरी तरह मन पर नियंत्रण करना फ्रांस के देश के राष्ट्रपति बनने से अधिक कठिन है। ध्यान अभ्यास के समय चित्त का केंद्रित होना, यह केवल बहुत लंबे और नियमित ध्यान साधना के अभ्यास के बाद ही संभव हो पाता है और फिर इसके लिए वैराग्य
आंतरिक वैराग्य उन सबके प्रति जो परिवर्तनशील और नश्वर हैं की भी अपेक्षा होती है। पातंजलि योग को पढ़ें, वह बड़ा ही व्यवस्थित पथ है चित्त वृत्ति निरोध की निष्पत्ति के लिए। चित्त वृत्ति निरोध अर्थात मन की सभी वृत्तियों के पूर्ण रूप से बाध के लिए पातंजलि योग को पढ़ें। वह योग को चित्त वृत्ति निरोध के रूप में परिभाषित करता है और सूत्र कहता है योग चित्त वृत्ति निरोध है। आजकल कुछ लोग केवल कुछ शारीरिक आसन मुद्राओं के अभ्यास करने को ही योग कह देते हैं। यदि कोई व्यक्ति नित्य और नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करे और साथ ही साथ उस योग के अन्य अंगों का भी सेवन करे तो निश्चित रूप से व्यक्ति ध्यान के दौरान अपने चित्त को केंद्रित करने में सफल हो जाएगा। हिम्मत न हारे अपनी आध्यात्मिक साधना के प्रति और अधिक सत्यनिष्ठ बने। Swamiji adds, this group is from France. That is why I have referred to the president of France. Il a parlé du président de France parce que ce groupe est français. फ्रांस के राष्ट्रपति बनना कठिन है, मन के संयम की अपेक्षा बनना आसान है राष्ट्रपति। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि प्रश्नकर्ताओं का जो ग्रुप था वो फ्रांस से था।